पापा पैसों के चक्कर में किसी दिन हम पकड़े न जाए, बहुत मार पड़ेगी हमें। अरे मैं बड़ी सफाई के साथ करता हूँ, इधर उधर देख के तब उसके बाद धोता हूँ, पता है मैं रोज ही करता हूँ ऐसा काम। तू तो आज पहली बार ठेल पर आया है, तुझे कुछ मालूम तो है नहीं है। पर पापा ऐसा करना सही भी तो नहीं है, ये नाली का पानी है। तो भाई यहाँ पे कहाँ से पानी लेके आऊँ मैं, 100 रुपए की बोतल कौन लाएगा रोज। हाँ पापा बात तो आप सही कह रहे हो, वैसे भी किसी को पता नहीं चलेगा कि हम लोगों ने नाली के पानी से ये धो दिया, देखो कितनी साफ हो गई है, चमक मार रही है इससे। अरे बेटा ये हम ही नहीं करते, सारे ठेल वाले ऐसे ही करते हैं, लोगों क्या है। अरे किसी प्लेट में परोस दो, खाएंगे चप 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 और चले जाएंगे, उन्हें क्या मालूम क्या परोस रहे हैं, काय में परोस रहे हैं। घर का खाना छोड़ के बाहर की चाट उन्हें अच्छी लगती, बस चले जाएंगे चटर चटर पटर पटर खाने के लिए। हाँ पापा आप सही बोल रहे हो, लोग ना घर का खाना छोड़ के ना बाहर जा जाके खाना खाते हैं और उन्हें पता ही नहीं होता कि खाने में क्या मिला हुआ है, किस चीजों से धुले हुए हैं बर्तन, उनको कुछ भी नहीं पता, बस उन्हें तो खाने से मतलब है। ऐसी तो लोग तबीयत खराब कर लेते हैं और हमारा क्या है, हमारा इसमें फायदा हो जाता है। बेटा तुझे नहीं मालूम है आजकल इतनी सारी जो बीमारियां चल रही है ना, ये सब इन्हीं की वजह से चल रही है। पापा अब ये बात ज्यादा जोर से मत करो, किसी ने सुन लिया ना तो अपना धंधा बंद हो जाएगा। वैसे धंधा बंद चल रहा है बेटा आजकल। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अंकल जी एक प्लेट बिरयानी दे। बिरयानी तुम्हें पता है प्रिंस, ये अंकल ना यहाँ की सबसे बेस्ट बिरयानी बेचते हैं और सबसे ज्यादा सफाई ना इन्हीं के बर्तनों में होती है। आज ना तुम्हें इनकी बढ़िया वाली बिरयानी खिलवाती हूँ अंकल, वो स्पेशल वाली बिरयानी है ना। स्पेशल वाली दे बेटा, स्पेशल वाली। ठीक है ठीक है, देता हूँ। हमारी बिरयानी आसपास के इलाके में बहुत मशहूर है, बड़ी दूर दूर से लोग खाने के लिए आते हैं। अंकल पहले ना थोड़ी देना। थोड़ी देना, थोड़ी दो, थोड़ी सी टेस्ट करेंगे साहब, एक बार खाएंगे आपको भरपूर मजा आ जाएगा। थैंक यू भैया। क्या हुआ, स्मेल कैसी आ रही है इसमें से? क्या हुआ, कौन सी स्मेल? हाँ नाली की से बदबू आ रही है इसमें से तो। अरे नहीं नहीं बहन जी, ये तो 56 मसालों की आप वो है खुशबू। नहीं अंकल जी, नाली की स्मेल आ रही है। अरे बहन जी आप तो रोज तो खाने आती है, आपको मालूम ही, आप कहाँ कैसी बात कर रही है आप। रोज खाने तो आती हूँ लेकिन उससे पहले ना मुझे सच्चाई नहीं बताती आपकी, इसलिए ना मैं मुँह उठा कर ना आपके पास में खाने आ जाती थी। पर आज ना मैंने आपकी सच्चाई ना खुद अपनी आंखों से देखी है कि आप किस तरीके से ये सड़क के पानी से बर्तनों को धोते हो और उसके बाद में उन्हीं बर्तनों में आने जाने वाले कस्टमरों को खिलाते हो। अरे नहीं मैम साहब, आप ना गलत समझ रही हैं, हम ना साफ पानी से बर्तनों को धोते हैं। अब देखो प्लेट है ना, अभी तक जुड़ाई पड़ी है, पानी खत्म हो गया है। अच्छा साफ पानी से? भैया आप झूठ बोलना बंद करो, आपको शर्म नहीं आ रही है? आप इतने बड़े होकर अंकल जी इतनी घटिया हरकत कर रहे हैं, सड़क के पानी से आप बर्तन धो दोगे हम लोगों को खिला रहे? अरे मैं तो पता नहीं कब से आ रही आपके डेले पर, मुझे तो पता ही नहीं था आप ये सब कर रहे हो। बहन जी आपको गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे कोई गलत फहमी नहीं हुई है, मैं हमने अपनी आंखों से देखा है कि तुम ये सब करते हो, लोगों के हेल्थ के साथ खेल रहे हो तुम लोग। और आंखों से देखा भी है और आपकी पूरी वीडियो बनाई है सब काम करते हुए। मैं तुझे बहुत बढ़िया वाली बिरयानी खिलवाती हूँ, चल। अरे है कहाँ पे तेरा बिरयानी वाला? वो ही बिरयानी वाला है और वो अंकल और मैं उनका बेटा तो सड़क के पानी से प्लेटें धो रहे हैं। हम भी ये देख, मैंने ना इन लोगों की वीडियो बना ली है, अब इनको चल के सबक सिखाते हैं अपन। हाँ प्रिंस सबक तो सिखाना पड़ेगा, पता नहीं ये लोग कब से एक सब काम कर रहे होंगे और कितनी लोगों की हेल्थ के साथ खेल रहे होंगे, इन्हें आप रंगे हाथों ही पकड़ना पड़ेगा। चल अभी भी आपको अगर झूठ बोलना है ना तो प्रिंस इनको जरा वीडियो दिखाओ, जब इनको वीडियो दिखेगी ना तब अंकल जी के ना तत्तर बत्तर उड़ जाएंगे शरीर के। दिखाता हूँ। ये नहीं वीडियो है, पहले HD क्वालिटी में। अब ये वीडियो लेके ना हम यहाँ से सीधे पुलिस स्टेशन जाएंगे, अगर पुलिस स्टेशन में जाके ना हम बताएंगे कि आप किस तरीके से ना लोगों की सेहत के साथ में खेल रहे हो, सड़क के पानी से बर्तन धो धो के उनको बिरयानी खिला रहे हो। अरे पता है तुमको प्रिंस, पूरे एरिया में सबसे ज्यादा मशहूर बिरयानी वाले ये हैं। अब क्या मजा था कि वो स्वाद तो यहाँ था सड़क पे। अरे मेघा मुझे तो लग रहा है ये जो पानी डालते हैं ना चावल उबाल निकली वो भी नाली का पानी डाल देते होंगे पैसे बचाने के लिए। अरे बहन जी चलो, हमें तो आपने पकड़ लिया। अरे पूरे शहर में सारे ठेल वाले ऐसे ही करते हैं, नाले के पानी से, गंदे पानी से, पानी से प्लेट धोकर लोगों को खिलाते हैं। बस बस अंकल जी,
खुद गंदे हो ना, खुद गलती कर रहे हो, सबको बदनाम मत करो, ठीक है ना। और ना आप दूसरों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो ना, आप जिस तरीके से बोल रहे हो ना, आपको नहीं पता आप जैसा हर कोई ना गिरा हुआ नहीं है, हर कोई ये गंदी हरकत नहीं करता है, वो तो आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया ये होते हुए। तुम लोग जितने पैसे मांगते हो उतने पैसे आदमी देके जाता है, उसके बाद भी तुम लोग गंदी नाली के पानी से प्लेट लगा रहे हो। 75 रुपए की बिरयानी की प्लेट देते हो आप, 75 रुपए में आप इतना खर्चा नहीं कर सकते कि आप साफ पानी से प्लेटों को धो दो। देखिए मैम साहब, मैंने ना पापा से मना किया था कि सड़क के पानी से बर्तनों को मत धोइए, किसी की तबीयत खराब होगी, किसी को पता चल गया तो हमें पुलिस के हवाले कर देगा, लेकिन पापा बिल्कुल नहीं माने, बोल रहे थे कि 100 रुपए का खर्चा बचा लिया मैंने जो पानी की बोतल आती है। पापा देखा ना, आज हम पकड़े गए, अब ये कितना सुना रहे हमें। सुना क्या रहे हैं, आपकी गलती का ना आपको एहसास करा रहे हैं, अब तो मुझे लगता है आपको अभी भी एहसास नहीं है। मैं मानता हूँ कि हम गलत हैं, लेकिन बहन जी मैं ही नहीं पूरे शहर के सारे ठेल वाले यही हरकत करते हैं, नाले के गंदे से इधर उधर के पानी से बर्तन धोते हैं। और तो और आप रेस्टोरेंट में चले जाओ ना, एक टब में पानी भर के रख लेंगे, दिन भर उसी में बर्तन धुलते रहते हैं, और हम लोग चाव से खाना खाते हैं, आप सभी लोग खाते हैं जाकर के, घर का खाना समझ में नहीं आता, ये बाहर की चाट पकौड़ी अच्छी लगती है। और बहन जी मैं क्या, आप बोतलें देखती है पानी पी के जो फेंक देती है, लोग रिफिलिंग करके दोबारा बेचते हैं उनको, और क्या क्या बताऊँ आपको, खेत से सब्जी तोड़ के सीधे नाले से धोते हैं वो लोग। आप मुझे पकड़ लेने का मन करा दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, हालांकि मेरी गलती है मैं मानता हूँ उस बात को, लेकिन बहन जी कहाँ का आप सुधारोगी, किस किस को सुधारोगी। अच्छा तुम डिस्पोजल यूज करो ना, डिस्पोजल में खिलावा करो ना लोगों को। बहन जी डिस्पोजल उधर खा पी के फेंक जाते हैं, फिर वो नगर पालिका वाले चालान कर देते हैं। अच्छा आपके पास में ना हर बात का जवाब है, आप खुद फ्रॉड हो ना, इसलिए अपनी वजह से ना पता नहीं कितने लोगों को बदनाम कर रहे हो। मुझे और मेरे पापा जी को माफ कर दीजिए, आज के बाद हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, बस आप डिस्पोजल लेके आएंगे या पानी की कैन लेके आएंगे उससे धोएंगे। आप मुझे एक बात बताओ, आप उम्र में इतने बड़े हो ना, आपने मुझे 10 चीजें गिना दी कि और लोग ऐसा करते हैं और लोग वैसा करते हैं, आप तो बड़े हो ना, आप ये सब क्यों कर रहे हो, आप में तो समझ है ना, जब आप मुझे ये समझदारी का पाठ पढ़ा सकते हो, थोड़ी समझदारी आप भी तो दिखा सकते हो, लेकिन नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ पैसे बचा रहे थे। देखो अंकल जी, अब ना हमारे पास आपकी पूरी वीडियो है, अगर आगे से आप कुछ भी करते हो हमें दिख गए ना, तो हम सीधे आपको पुलिस के हवाले कर देंगे। आज माफ कर दो, कल से मैं साफ पानी लेके आऊंगा और सीधे बर्तन धो के तभी बिरयानी बेचूंगा। अंकल ये पहली और ना आखिरी आपको माफी मिली है, इसके बाद में ना आपको माफी नहीं मिलेगी, सीधा जेल की सजा मिलेगी। आज आपने मेरी आंखें खोल दी है, आज के बाद आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। और आज के बाद तो मैं बाहर का खाना बंद ही कर रही हूँ, मैं तो खाऊंगी नहीं, पता नहीं कौन कौन ऐसी गंदी हरकतें करता होगा। पापा आज तो हम बाल बाल बच के, वरना वो लोग हमें पुलिस के हवाले कर देते। देखो पापा, जहाँ भी लोग कोई बर्तन धो रहा है या कुछ भी कर रहा है, हमें उनसे मतलब नहीं है, हमें अपना स्वच्छता का ध्यान रखना है, अगर हम सफाई नहीं रखेंगे तो लोग आना बंद कर देंगे, जैसे इन मैडम ने बता दिया कि अब हम नहीं आएंगे खाने के लिए, तो पापा हमारा ही धंधा चौपट हो जाएगा, आज के बाद हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, साफ पानी से बर्तन धोएंगे, साफ खाना बनाएंगे। सही कह रहा है बेटा, आज से मैं तौबा करता हूँ, सफाई से खाना देंगे और साफ प्लेटों में ही खाना देंगे। हाँ पापा आप सही बोल रहे हो, हम बदलेंगे जब भी एक एक करके दुनिया बदलेगी, अगर हमने भी यही सोच रखी कि वो ऐसे कर रहा है वो ऐसे कर रहा है, तो हम में और उनमें फर्क ही क्या रह जाएगा। सही कह रहे बेटा, हमें किसी की नकल नहीं करनी चाहिए, हमें अपना काम अपने हिसाब से करना चाहिए। ठीक है पापा, मैं ना पानी की बोतल ले आता हूँ, सारे बर्तनों को साफ कर देंगे। दे बेटा, दे बेटा।